अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा जो ब्लॉग है वो है हमारा दावत का, जो हम जा रहे हैं अहमद रियान दानी के घर पे, और साथ में हमारे अफजल भाई और साकिब भाई, जो कि साकिब भाई हमारे ड्राइवर है स्कूटी के, उनकी टैंक से बैठा नहीं जा रहा था क्योंकि वो चला रहे हैं, अफजल भाई बैठे आ रहे हैं, और हम जा रहे हैं पट फ्लाईओवर पे हम जलालाबाद के, तो पहुंच के मिलते हैं इंशाल्लाह वहां पर। तो भाई देखे कितना अंधेरा है इस गांव में, और हम मैं यहाँ पे सेकंड टाइम आ रहा हूँ, और अफजल भाई जो आए हैं फर्स्ट टाइम, ये हमारे साकिब भाई बैठे हैं, इनका पता नहीं, ये तो आते रहते हैं रोज, क्योंकि इनकी यहाँ पे सेटिंग है साकिब भाई की, इसलिए यहाँ पे आते रहते हैं रात को, इसलिए इन्हें रास्ता भी सारा पता है। और आप देख सकते हो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, बहुत हमें इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि एक्टिवा की लाइट जल रही है, अगर लाइट भी जलती तो वो भी दिखाई नहीं देता हमें, फिर मोबाइल की लाइट जलानी पड़ती। तो आप देख सकते हो चारों तरफ अंधेरा अंधेरा है। तो बहरहाल हम पहुंचने वाले हैं अहमद रियान दानी के घर पे 5-10 मिनट में, वहीं चल के मिलते हैं भाई के घर पे। काफी ढूंढना पड़ा हमें घर दानिश भाई का, ढूंढना पड़ा बहुत, पूछते पूछता है भैया, रात में भूल गया था, बहुत मुश्किल पड़ा है, और अब जाके इनके घर पर, और जो काफी यार दोस्त है वो आके जा चुके हैं, आ जाओ अरे भाई खड़े साके भाई, मिल गया घर, मिल चुका है मेरा, तो भैया से गले और मिल लो, तो और मिलता भी थोड़ी देर के बाद। ठीक है तो अच्छे रियान भाई, ठीक है चल अल्लाह हाफिज, अल्लाह इंशाल्लाह मुलाकात, बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। ये हिलाल भाई हमारे, साकिब भाई, अब हम जा रहे हैं घर के लिए, नेता जी अब हम चलते हैं यहाँ से, नेता जी ये हमारे हिलाल भाई खड़े हैं, पहले हम दो वोट काट दे रहे हैं, दो वोट चलो, ठीक है दानिश भाई, ठीक है चल अल्लाह हाफिज।